अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिदा नाजिम है। मैं दारुल सेहत हॉस्पिटल में पीठ रजिस्ट्रार हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी बातें जो रमज़ान के हवाले से बच्चे जैसे रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है सहरी। आम तौर पर देखा गया है बच्चे सहरी को स्किप करने की कोशिश करते हैं, देर से सोकर उठते हैं और सहरी नहीं करना चाहते लेकिन रोज़ा रखना चाहते हैं। कोशिश ये कीजिए बच्चों को सहरी में एक घंटा पहले उठाइए और उनको एक प्रॉपर डाइट दीजिए, जिसमें ज़रूरी है कि स्टेपल डाइट मौजूद हो, उसमें कार्ब्स मौजूद हो, जैसे कि चावल, रोटी, पराठा, सूजी, ऐसी अज्जा के साथ प्रोटीन्स का शामिल होना ज़रूरी है। गोश्त, दालें, ये प्रोटीन्स की ग़िज़ा हैं। इसके अलावा खजूर, और क्योंकि जब बच्चों को आप एक घंटा पहले उठाएंगे तो वो साथ साथ पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे ताकि रोज़ा गुजरने के साथ साथ जल्दी डिहाइड्रेशन महसूस ना करें। नट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कुछ बच्चे फ्रूट्स पसंद करते हैं, आप फ्रूट्स भी दे सकते हैं। फिजी ड्रिंक्स, जूसेस, बिला वजह के ऐसे शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ज़्यादा नमक, ज़्यादा स्पाइसेस, ये सब चीज़ें प्यास बढ़ा देती हैं। ज़्यादा फ्राइड आइटम ये प्यास बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जल्दी डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं। रोज़ा गुजरने के साथ साथ कोशिश ये करें कि बच्चों की एक्स्ट्रा स्टर्नस एक्टिविटीज़ को भी ज़रा सा लिमिट कर दिया जाए। छोटे बच्चे 10 साल से 12 साल की उम्र के दरमियान, जिन पर अभी रोज़े फ़र्ज नहीं हैं, वो स्किप डेज़ में रोज़ा रख सकते हैं, एक दिन छोड़ के रोज़ा रख सकते हैं। इफ्तार की बारी आती है, इफ्तार पे कोशिश बच्चों की ये होती है कि सबसे पहले चिप्स और जूसेस पे हमला किया जाए। चिप्स, जूस, फ्राइड आइटम, इनसे ज़रा परहेज़ करें। रोज़े में इफ्तार में शुरुआत होनी चाहिए खजूर और सादे पानी के साथ, या बहुत भी अगर बच्चों को शरबत की ज़रूरत है तो एक गिलास शरबत के साथ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को एक प्रॉपर डिनर प्रोवाइड करें। प्रॉपर डिनर से मुराद ये है जिसमें कार्ब्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, नट्स भी हों। ये एक बैलेंस डाइट है जो बच्चे को लंबे अरसे के लिए एनर्जी देती है, और क्योंकि पूरा महीना बच्चों ने रोज़ा रखना है तो उनकी बैलेंस डाइट उनको मिलती रहे। बच्चों की कोशिश ये होती है फ्राइड आइटम पे ज़्यादा हो और खाना स्किप कर दिया जाए। कोशिश करें खाने को स्किप ना करें। मगरिब से इशा के दरमियान उनको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करें, और उसके बाद तरावी तक जो छोटा मोटा बच्चे खाना चाहते हैं उसमें उनको नट्स दे दें, फ्रूट्स दे दें, उस वक्त भी फ्राइड आइटम से ज़रा परहेज़ करें। उसके बाद उनको पानी का इंटेक बताइए, कम से कम इफ्तार पे मगरिब के बाद कोशिश करें कि 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल कर लें, ताकि सहरी में दोबारा पानी का इस्तेमाल करें और बेहतरीन उनको भूख हो सहरी तक उठने के लिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों के रोज़े आसान होंगे। हैप्पी रमज़ान। थैंक यू सो मच।